अगली खबर आ रही है रीवा जिले से। न्यायालय जहां तालाबों को संरक्षण देने पर जोर दे रही है, वहीं भू माफिया तालाबी नंबरों की जमीन को कागज में हेर फेर कर खेती बाड़ी जमीन कर मुनाफा कमा रहे हैं। भू माफियों पर लगाम ना लगने का असर है कि पिछले एक दशक से शहर से लेकर गांव तक तालाबों पर कब्जा होने की शिकायतें आम हो गई हैं। हैरत इस बात की है कि तालाब की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में भले ही सुरक्षित करार दिया गया है, लेकिन भू माफिया राजस्व रिकॉर्ड में खेल कर तालाब की जमीन को भूमिधरी बनाकर बेचने में सफल रहे हैं। ताजा मामला जवा तहसील के गडेहरा कस्बे का है, जहां तालाब का दायरा अब सिमट गया है। ऐसा मामला जवा तहसील के गडेहरा ग्राम पंचायत का है, जहां 2 से 2.5 एकड़ का तालाब जो सन 1980 से 2012 तक खसरे में तालाब दर्ज किया गया, जिसमें गांव के लोग अपना जीवन यापन करते रहे। गांव के कुछ लोगों ने इस तालाब की जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर कब्जा कर भू माफियाओं ने इस तालाब को समतलीकरण करके खेती बाड़ी करने लगे। जब इन्हें रोकने का प्रयास भी किया गया तो हरिजन एक्ट में मामला दर्ज करने की धमकी देने लगे। तब इसकी शिकायत SDM से की, हमें स्टे भी मिला पर उसका पालन नहीं हो पाया। रातों रात तालाब का समतलीकरण करके उसमें खेती कर ली गई, जिसकी जांच SDM द्वारा कराई जा रही है। वहीं संवाददाता ने SDM PK पांडे से फोन पर बात की तो SDM PK पांडे ने बताया कि हमने अपनी जांच रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को सौंप दिया है। जब हमने पूछा कि तहसीलदार पटवारी पर क्या कार्यवाही होगी तो SDM ने बताया कि पटवारी और तहसीलदार की कार्यशैली पर हमने अपनी जांच रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को सौंप दिया है। SDM PK पांडे ने कहा कि पंजाब केसरी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जवा तहसील में मौजूद तालाबों की स्थिति को लेकर शासन प्रशासन तथा स्थानीय अधिकारी जनप्रतिनिधि उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। तालाब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जवा तहसील के बड़े तालाब में अतिक्रमण तथा NGT के नियमों की अनदेखी कर होने वाले निर्माण कार्यों के कारण दिन ब दिन तालाब का आकार सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन इस तालाब की किसी को कोई परवाह ही नहीं है। कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की भूमिका पर सवाल उठते हैं कि कैसे शासकीय तालाब की जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई। अब देखना है कि कलेक्टर मनोज पुष्प, तहसीलदार और पटवारी क्या कार्यवाही करते हैं या फिर मामला ठंडे बस्ते पर पड़ा रहता है। बेचने वाला कहाँ है, किस आधार पर हो गया है? ये रास्ता बनी सर, मैंने उसको नोटिस काटा है, वाय नहीं आती विक्रेता जिसे बेचा है, ना रिकॉर्ड दिया है। अंदर गाड़ी लेके हां, विक्रेता उसमें है कोई? कौन है विक्रेता जिसे बेचा है? तिवारी जी बताए हैं, पहले ये साहू की जमीन थी, उन्होंने इसको बेचा है 2016 में। 2016 में बेचा, फिर एक तिवारी यहाँ का बगल का लिया, यूपी का, यूपी में रहता वो, नहीं ये गांव का है। फिर अभी मुश्किल से 8 महीने पहले फिर वो तिवारी ने फिर दूसरे को बेच दिया, कोई ठाकुर लिए हैं यूपी का। ये 29 डिसमिल इसमें तालाब दर्ज है, बाकी सब पट्टा हो चुका है। ये रोड जो थी, ये सीधी वाली रोड, वहाँ जाके वो पेड़ पर निकलती थी, वो पेड़ पर निकलती थी। आज ये जो है देखिए, में लगता है ये रोड देखिए, सीधा निकली रोड, ये देखिए रोड, ये हमें टर्न है, टर्न कर दिया। हाँ देखिए, तालाब का समस्या। कैसी समस्या है तालाब की? तालाब पट्टा करा लिए, धान रोपा लगा लिए, चारों तरफ बाड़ी लगा लिए और खेती बाड़ी उसी में करने लगे। तब हमको उनको जानकारी हुई, हाँ, तो उसको उसका विरोध किया, और जब विरोध किया तो वो मेरा पट्टा हो गया। तहसीलदार SDM के हम लोग गए, वो आए मौका दे के, मौका दे के उनको डांटी नोटी कर्मचारी इनका, और यह समस्या है चारों तरफ से। तो उस दिन जब SDM साहब और तहसीलदार आए थे तो आप लोग थे साथ में? हम तो नहीं थे, उस दिन हम कहीं गए थे। ये तालाब कब से था? तालाब 100 साल पहले का ही, ये बाबा लोग बताते थे कि इसी से पानी जाता था हमारे यहाँ कठाई टोला में, लेके जाते थे गोरु माल मवेशी सब यहीं निस्तार होता था। अब वहाँ पानी लेने नहीं मिलता, वो चारों तरफ बाड़ी लगा दिया और जाली का आम रास्ता भी है वहाँ, आम रास्ता भी है उसमें। तो अब कैसे गुजारा होता है? अरे गुजारा कहाँ होगा, इसमें नहीं हो, कहीं चराहत रहा है, कहीं वाले हैं, कहीं रहते हैं, गुजारा थोड़ा होता रहा बरसात। रघुनंदन प्रसाद तिवारी, तालाब था पहले और बीच में कैसे ये लोग पट्टा करवा लिए, अब सर हमको ये मालूम नहीं है। इसमें हम साहब से, तहसीलदार साहब से अपील किए और हमको स्टे भी मिला, स्टे का पालन नहीं किया गया। जबरदस्ती रात इसको जुताई किया गया, इसको पटाई भी कर दी गई और इसमें हम लोग
आई इसमें तो हम लोगों के ऊपर हाइजेंट भी लगवाया गया। ये है दो ढाई एकड़ 180 में इस तालाब दर्ज था। 2012 में इसको हटवा दिया गया जी, उसके बाद बिक्री कर दिया गया। इसमें हमने अपनी जांच पूरी करके मौका भी देखने गया था मैं, और मौका में वहाँ पे तालाब भी है कुछ एरिया में, और उसकी जांच करके सभी रिकॉर्ड वगैरह लगा करके हमने कलेक्टर साहब को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। आगे की कार्रवाई वहाँ से होना है।